आई लव कैमरा. जब मैं अपने सेट पे जाती हूँ और मैं मुझे बस वही करना है, मुझे कैमरे के आगे रहना है, मुझे मुझे बहुत प्यार है एक्टिंग से. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल फील कि जाते हैं यार पैसे कमाते हैं और आ जाते हैं पैसे. इट्स मेरे लिए इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स माय पैशन. मैंने उस शादी को, उस रिलेशनशिप को 10 साल दिए और 10 साल में मैंने वो सारी कोशिश कर ली कि जिससे वो शादी बच जाए. मैं बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती थी. मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मैंने बहुत सहन किया है. देयर वर टाइम्स जब मैं जाके अवार्ड लेती थी और मैं घर आके अपने आप को देखती थी और मैं कहती थी मैं वही हूँ. बेटी है हमारी और मैंने आरा को कभी उसके पापा से दूर नहीं रखा, मैंने कभी उससे जानने नहीं दिया. आज वो 11 साल की हो गई है, उसे बिल्कुल नहीं पता. उसे पता था कि झगड़े होते हैं क्योंकि मैंने अपनी बेटी से झूठ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ चीजें छुपा के रखी. कामिया पंजाबी, टेली स्टार्स टॉक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है. It's so nice that you have made it at such a short notice. I just happened to tell you this morning and you agreed for the same. Thank you once again. I still can't believe it that it's 1 year to your marriage. Yes. More than a year. जल्दी चला गया, पता ही नहीं चला time. 10th February and it's more than a year today. How has the full year been? पूरा साल ये सोचने में ही निकल गया कि अब आप आओगे मुंबई और अब मैं दिल्ली जाऊंगी, अब आगे कब मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो हम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एंड बीइंग अ डेली सोप एक्टर ये कभी पता नहीं होता कि कब छुट्टी होगी. तो प्लान नहीं कर सकते कुछ. तो मुझे लगता है पहले तो शादी होते ही 1 महीने में लॉकडाउन हो गया, तो वो एक हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल गया 3 महीने का. तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा इन द सेंस कि हम घर में ही बंद थे, हम कुछ कर नहीं पाते थे. एंड शलभ बीइंग अ पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ही वाज टू बिजी. सो उसके बाद बस यही सोचने में निकल गया टाइम कि अब की बार मैं, अब की बार तुम. यही चलता रहा. So, और एक साल अभी वेयर आर यू, यू आर इन बॉम्बे, यू आर अभी आई एम भाई एंड शलभ इज इन दिल्ली. What is the plan? I mean, are you planning to shift to Delhi or is he planning to shift to Mumbai? I'm sure this discussion must have happened now. Come on, it's a year. Yeah, ये discussion शादी के पहले हुआ था क्योंकि मेरा सबसे बड़ा concern यही था कि आगे क्या होगा और आगे कैसे जिंदगी काटेंगे. Because I love acting, I love my work. तो मैं काम नहीं छोड़ना चाहती और काम नहीं छोड़ना चाहती मतलब मुंबई नहीं छोड़ सकती. तो ये डिस्कशन शादी के पहले हुआ था क्योंकि मैं बहुत परेशान थी कि कैसे होगा. इंशाल्लाह बस टू पॉजिटिव कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा. बट मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि कैसे होगा. तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे ही करते रहेंगे. ही सेड ट्रैवलिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट और दिल्ली बॉम्बे बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. तो अभी राइट नाउ हम इस बारे में डिस्कस भी नहीं करते और हमने सोचा भी नहीं है. अभी मैं अपने काम में हूँ, वो अपने काम में है और मुझे पता है कि एटलीस्ट 4-5 साल तो हम शायद सोचेंगे नहीं और उसके बाद फिर देखते हैं. इट हैज टू बी आइदर दिल्ली और बॉम्बे. एंड मैं जब भी काम करूँगी तो मैं काम के वक्त आऊंगी और फिर से चली जाऊंगी. या फिर ये हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा हो जाए और शलभ भी यहाँ शिफ्ट हो जाए. तो ये ओपन टू थिंग्स, अभी ऐसे कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचे. बट काम्या इज सो पैशनेट अबाउट एक्टिंग. जस्ट बिफोर द वी स्टार्टेड द इंटरव्यू, आई मीन दैट्स वन ऑफ द नॉर्म्स दैट वी हैव टू गो थ्रू योर प्रोफाइल वंस अगेन टू रिमाइंड आवरसेल्व्स. आई जस्ट कांट यू नो एंड द लिस्ट of the shows you have done, of the serials you have done, maybe sometimes a brief appearance, sometimes a long stint. Itna aapko laga hai acting se, itna, you're so passionate about it. Main na jab bhi acting ke bare mein sochti hun to mujhe main bhi wahi ek filmy line hi bolungi, lekin yahi sach hai ki jeena yahan marna hai.
मैं आई लव कैमरा. जब मैं अपने सेट पे जाती हूँ और मैं मुझे बस वही करना है, मुझे कैमरे के आगे रहना है. मुझे मुझे बहुत प्यार है एक्टिंग से. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल फील कि जाते हैं यार पैसे कमाते हैं और आ जाते हैं पैसे. इट्स मेरे लिए इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स माय पैशन. यू नो इट इट गिव्स मी एनर्जी, इट मेक्स मी हैप्पी. सो तो मुझे जब आपको आपका काम बहुत अच्छा लगता है तो आपको अपने काम से इतना प्यार है तो आप उसे छोड़ना नहीं चाहते. तो मैं भी कभी नहीं छोड़ना चाहती. मुझे लगता है अगर मैंने एक्टिंग छोड़ दी तो शायद मैं बीमार बीमार पड़ जाऊंगी. तो ये जो एक्टिंग का आपको शौक है इतना, when you are so passionate about it and so much involved, कभी सेट पर ऐसा होता है कि यार ये सीन मेरे हिसाब से सही नहीं है और मुझे ऐसे नहीं करना है भाई? Because you have experience, you have your own, I mean, decision, because you've done so much of work. ये हर एक्टर के साथ होता होगा, ये हर शो में होता होगा. आई लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि एक एक्टर कन्विंस नहीं होता है किसी सीन से कि ये ऐसा क्यों लिखा है और ये वैसा क्यों लिखा है. तो वहां पर मेरे साथ भी बहुत बार होता है. तो वहां पर आई टॉक टू माय डायरेक्टर, आई टॉक टू द क्रिएटिव पीपल एंड देन वो डिस्कस करके एक म्यूचुअल डिसीजन पे हम आते हैं एंड देन दैट्स हाउ आई डू इट. एंड मैंने जितने भी शोज किए हैं विक्की, वहां पर इतना भरोसा मुझ पर दिखाया गया है कि ये कहा जाता है कि वो अगर कर रही है जैसा कर रही है उसे करने दो. तो इतने सवाल नहीं उठाते हैं. अब इतने साल काम किया है और इतनी इज्जत तो कमा ली है, इतना यकीन तो कमा लिया है कि ज्यादा रोक टोक नहीं होती. एंड इम्प्रोवाइजेशन हर एक्टर करता है, लेकिन कुछ ज्यादा मेजर होता है तो यस वी डिस्कस अबाउट इट एंड देन हम कर लेते हैं उस हिसाब से. तो हाँ ये होता बहुत बार है, बहुत बार होता है. So I want to ask you, Kamya, about Bunty Negi. When you parted ways with him, your first husband, how difficult it was. Now let me ask you in a very comprehensive way that how was it on your parents when you took the decision? How was it on your child? How much did you go back and forth on it? And finally, what made you say that, okay, now no more further? Because as far as I know, you had gone back to him once and restarted, rekindled the relationship. Yes. I remember I was in Matheran that time and I had called you. And I remember filing that story from there, just having a casual chat with you and stumbling upon the news that, okay, you are back with Bunty. विकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था और ये बोलने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है. बिकॉज मैंने उस शादी को, उस रिलेशनशिप को 10 साल दिए और 10 साल में मैंने वो सारी कोशिश कर ली कि जिससे वो शादी बच जाए. मैं बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती थी. मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मैंने बहुत सहन किया है. देयर वर टाइम्स जब मैं जाके अवार्ड लेती थी और मैं घर आके अपने आप को देखती थी और मैं कहती थी मैं वही हूँ, यू नो, जिसके लिए लोग आज तालियां बजा रहे थे और जिसको ये अवार्ड मिला. एम आई द सेम वन? बिकॉज आई वॉज सो अनहैप्पी एंड आई यूज टू फील सो वीक कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प माई सेल्फ. सो विकी आई गिव एवरीथिंग, आई डिड मोर देन माई केपेबिलिटीज. मैंने वो सारी कोशिश कर दी उस शादी को बचाने की. एक बार मैंने अलग होके भी देख लिया लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं माना. मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद और कोशिश बाकी है, शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया है. एक बार अलग होने के बाद फिर दोबारा मैंने कोशिश की. माय चाइल्ड वाज बॉर्न, आरा वाज बॉर्न. उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं, वो चलती रही चलती. 10 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम. यू ऑल्सो नो आजकल हम देखते हैं फटफट खबर आ जाती है, यू नो, शादी हुई 2 साल में खबर, 3 साल में खबर. यू नो लोगों में इतना पेशेंस ही नहीं है, वो बहुत जल्दी डिसाइड कर देते हैं कि नो, ओ नहीं हो रहा है, यू नो, लेट्स बी फ्रेंड्स
लेट्स बी कॉर्डियल विद ईच अदर, अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, बहुत सही है यार, एक दूसरे के साथ अगर खुश नहीं है तो हट जाओ, निकल जाओ, विच इज वेरी नाइस, बट वो सोच वो आई थिंक समझ मैं कहूंगी या पता नहीं क्या, वो मेरे अंदर नहीं था, वो गिव अप करने वाला जो एटीट्यूड है वो मेरे अंदर नहीं था. तो मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी जब चीजें नहीं हो रही थी तो बहुत बार मेरे पेरेंट्स को मैंने कहा कि मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मेरे दोस्तों को कहा, सब मुझे कहते थे खत्म कर, कामयाब कुछ नहीं बचा है, यू आर अनहैप्पी, यू आर ओनली सफरिंग, कुछ भी नहीं बचा है, खत्म. लेकिन मैंने नहीं किया. लेकिन जब मैंने किया, आई वॉक्ड आउट ऑफ माई ओन हाउस. देखिए, बंटी का एक्सीडेंट हुआ था, he was on bed rest. उसके उस वक्त भी हमारी इतनी लड़ाइयां होती थी, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर चीजें नहीं, it's better to walk out. So, जब मैं अपना ही घर छोड़ के निकली थी, because he needed rest, he needed a better place to stay and get better. मैंने अपना घर छोड़ा था, और विकी वो दिन मुझे आज भी याद है. मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं. मैंने अपना हैंडबैग लिया, वन पेयर ऑफ क्लोथ्स लिया, एंड आई जस्ट लेफ्ट, एंड आई वाज इन माय कार फॉर कपल ऑफ डेज. मैंने किसी को भी नहीं बताया. उसके बाद आई वेंट, मैं फिर किसी होटल में रुकी, ये वो. आई वॉन्टेड टाइम टू थिंक व्हाट आई रियली वॉन्टेड, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरा ब्रेन वॉश करे और कोई मुझे बोले कि बहुत अच्छा किया, या कोई मुझे ये बोले कि बहुत बुरा किया तुमने. मैंने एक हफ्ते तक किसी को कुछ नहीं बताया, फिर मैंने कहा आई एम डन विद दिस. एंड मेरे लिए वो डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने सब कुछ दे दिया था, एंड टूडे आई हैव नो रिग्रेट दैट आई डिडंट ट्राई. सो यस, मैं निकल गई. मैंने एक हफ्ता लिया, मैंने किसी से बात नहीं की. उसके बाद दो तीन महीने तक मैं अपने ही घर से दूर रही, अपनी बेटी से दूर रही. आई वेटेड फॉर हिम टू गेट बेटर और सही हो जाए, और फिर वो अपने लिए कोई दूसरी जगह देखे. एंड देन उसके बाद मैं अपने घर वापस आई थी, लेकिन इट मेड मी वेरी 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 स्ट्रांग. सो या डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि 10 साल दे दिए थे, तो 10 साल के बाद ऐसा लगा कि अब बाहर आना है. So the child was staying with him that time when you were away for 3 months. Yeah, my mom was also there. So she was taking care of Ara, and I was out. I was shooting for a show called Nautanki for Colors, Nautanki Theatre. हाँ, और किसी को पता नहीं चला, क्योंकि हम actors ऐसे ही हैं. हमारी life में क्या हो रहा होता है ये लोगों को हम पता नहीं चलने देते. So yes, I was doing a comedy show, but going through so much in my life, and no regrets. Did it affect your performance because you were working around the clock? No. मैंने उस टाइम पे अपने आप को शायद जाना, और मैंने ये भी जाना कि मेरे लिए मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने काम से, कि नथिंग एंड नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम वर्किंग. एंड व्हेन द कैमरा टर्न्स ऑन, मैं सब भूल जाती थी, सब कुछ. एंड मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली है अपने काम से, इट केप्ट मी गोइंग, इट केप्ट मी अलाइव, माई वर्क केप्ट मी अलाइव. सो डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं करना चाहती थी, मुझे था कि मैं ये करके रहूँगी. सो You said people can be friends, people can be cordial. Has it happened with you and Banti Negi? Yes. Because beti hai hamari, aur maine Ara ko kabhi uske papa se dur nahi rakha. Maine kabhi usse janne nahi diya. Aaj wo 11 saal ki ho gayi hai. Use bilkul nahi pata. Use pata tha ki jhagde hote hain, kyunki maine apni beti se jhoot bhi nahi kaha. Lekin kuch cheeze chupa ke rakhi. The reason of fights और किस लेवल की फाइट्स होती थी ये मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसका बचपन अच्छा गुजरे. सो यस, मैंने ये अंडरस्टैंडिंग बंटी में भी थी, क्योंकि हम दोनों के लिए आरा से ऊपर फिर कुछ नहीं है. तो यस, हम बहुत कॉर्डियल है. ही हैज मूव्ड ऑन विथ हिज लाइफ.
और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, मैं खुश हूँ. और he talks to Ara every day, he comes and meet her, वो यहाँ पर भी आते हैं. तो हम बहुत एक we are not friends लेकिन cordial है, और एक बहुत ही अच्छा वो respectful relationship है कि बस hi hello है. So he has come to your house and met Shalab also. Yeah, of course. उसको मेरी शादी का कार्ड भी गया था. कार्ड गया था, but he wasn't there at the wedding, right? He was not in India. He was not in India. But yeah, बातचीत हुई थी. He congratulated me, very happy and everything. So bitterness नहीं है. We move on to the most exciting phase of your life, which is now going on. Where did it start? First time I want to know when you set your eyes on Sharab. It was 1st February 2019. Yes. Yeah. 1st Feb 2019, I met him for the first time. 17th of January 2019, हमारी फोन पे बात हुई थी. And 1st Feb को हम मिले थे. कुछ ही महीनों में, but जैसे मैं सोचती थी कि नो, मुझे नहीं करनी शादी और मुझे अकेले रहना है, वो धीरे 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 चेंज होने लगा. और मुझे ये भी महसूस होने लगे, ओ आई एम नॉट अनलकी इन लव एनीमोर. एंड ये जो चीजें हम अपने दिमाग में डाल देते हैं ना, हम अपने आप के बारे में सोच लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा, ओ लास्ट मैन इन माय लाइफ, और या फिर यू नो अनलकी इन लव. यू नेवर नो आपकी जिंदगी में किस्मत में क्या लिखा है और कब क्या हो जाए. सो तो ये कहानी तो पता है, आप हिचक रहे थे और वो सब, तो यस वी नो. सो वी आर नॉट गोइंग टू यू नो ड्वेल ऑन इट अगेन एंड अगेन. बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाट वाज दैट कॉल व्हिच यू मेंशन, 17 जनवरी को कॉल क्या था? आई थिंक दैट इज नॉट बीन डिस्कस्ड. वो भी इसीलिए ही था. एज आई सेड, आई यूज्ड टू टेक, मैं आज पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ. मुझे एंजाइटी अटैक्स आते थे. मैं उस चीज से निकलना तो चाहती थी, लेकिन मैं निकली नहीं थी काफी टाइम तक. सो बस यही कुछ इसी बारे में मुझे किसी ने रेफरेंस दिया, यू नो यू शुड, आई हैव अ फ्रेंड हु वर्क्स विद फोटोस एंड ये वो, एंड यू शुड टॉक एंड यू शुड कंसल्ट विद सम पीपल एंड ये वो. तो उस सिलसिले में मैंने बात की थी एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग. एंड किस्मत कहीं और ले आई एंड आई एम ऑफ एवरीथिंग नाउ. नो एंजाइटी अटैक्स, नो नथिंग. Fantastic. This medical profession is like that, you know. Even I know of many cases when medical practitioners have fallen in love with their patients. Though say they, वो कहते हैं कि doctors doctors से ही शादी करते हैं, ऐसे नहीं है. सब जगह ऐसे नहीं है. And dude, you know, I मुझे ये भी एक चीज अच्छी लगती है. He is not from my industry, you know. So I like it even more, you know. We have some, हमारे पास बात करने के लिए बहुत अलग-अलग चीजें होती हैं, you know. आज बहुत सारी चीजों के बारे में मैं इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट एंड ये एंड वो, यू नो, इतनी सारी नॉलेज हो गई. सो यू हैव, आपकी टॉपिक ऑफ डिस्कशन सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग और ये वो सब नहीं होता, यू नो. यू हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट एंड इतनी सारी चीजें होती है डिस्कशन के लिए, बात करने के लिए, समझने के लिए. इट्स रियली नाइस, यू नो. आई एम रियली, मैं उस बात पे फुली एग्री नहीं कर सकता हूँ आपसे, बिकॉज़ योर फर्स्ट रिलेशनशिप वाज आल्सो विद अ बिजनेसमैन. So you had a lot to talk there also. I think. हाँ, वो तो मैं, मुझे लगता है वो तो मेरा बचपन था. Okay, but फिर भी एक connect होता है जो कुछ लोगों से हो जाता है और कुछ लोगों से नहीं होता. आप किसी के साथ भी आप 6 बार मिल लो, बात कर लेंगे. No, you are right. You know, coffee पी लेंगे, लेकिन connect नहीं होगा. You'll go for dinner. More than anything, you know, Vicky is like ये ऐसा है कि हम दोनों एक ऐसे एज में आके एक दूसरे से मिले हैं जहाँ पे हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है. वो समझ, वो मैच्योरिटी इतनी आ चुकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि अब वो सारी जो बचपने वाली चीजें होती है ना, वो आती नहीं है हमारे बीच. दैट्स द बेस्ट पार्ट. आई एम गोइंग टू रन थ्रू सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बिटवीन शलभ एंड यू, which you know, I'm sure people would love to see. Who makes up first when you'll fight?
हूँ. चलो सेकंड, यू ऑफन गेट ट्रोल्ड, आई थिंक इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. डज ही गेट वरीड? अभी भी चल रहा था. तो चल ही रहा है. डज ही गेट वरीड? हाँ, उनको चिंता होती? इनिशियली यस, उनको बहुत तकलीफ होती थी, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते थे. तब मैंने उनको कहा कि हेलो, तुम्हारी काम है पंजाबी से शादी हो रही है, यहाँ पर आपको 40% लोग मिलेंगे जो मुझे बहुत प्यार करेंगे, 30% मिलेंगे जो बहुत प्यार करेंगे, और बाकी 30% मिलेंगे जो बहुत ज्यादा नफरत करेंगे और बहुत ट्रोल करेंगे. सो यू गेट यूज टू दिस बिकॉज मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए. तो शुरू शुरू में ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ लोगों को जवाब भी दिया था, बट नाउ ही इज यूज्ड टू इट एंड ही डजंट मैटर, यू नो, अब नहीं फर्क पड़ता. बट हाँ, इनिशियली दिस इज ऑल न्यू फॉर हिम, ये सारी चीजें उन्होंने कभी नहीं देखी थी लाइफ में. निकनेम्स यू हैव गिवन ईच अदर, कौन से निकनेम्स दिए हैं एक दूसरे को? ना 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 ना, हमने नहीं दिए. अच्छा, ना. सो कामिया, इंशाल्लाह इट इज. या Does he tell you not to wear such and such outfit? You're not looking good in this. You change it. And do you do the same? Not at all. He lets me be. मैं जैसी हूँ वैसी. मुझे जो पहनना है वो पहनो. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ करते हैं. या अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो obviously He tells me कि this is where you're going wrong, और यहाँ तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, या तुम्हें whatever, जो भी छोटी मोटी चीज है, अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो he tells me, but he lets me be. वो मुझे बिल्कुल नहीं आई. इनफैक्ट मैंने अपनी बिकनी की फिल्म पिक जो डाली है, आज तक मैंने ज्यादा नहीं डाली है, लेकिन जो एक आध वो शलभ नहीं खींची है, वो मैंने अपनी शलभ से मिलने के बाद ही डाली है. सो नो, वो शलब ने मुझे कभी नहीं रोका किसी चीज के लिए, नहीं रोका. चाहे वो बाहर जाना हो, चाहे दोस्तों से मिलके पार्टी करना हो, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे मुझे किस तरीके का काम करना हो, नथिंग एट ऑल. द ओनली थिंग ही हैज गिवन मी इज सपोर्ट. आर यू एंड शलब प्लानिंग किड्स? नो. व्हाट्स द बॉन्ड? आई वांट टू लिव माय लाइफ विकी. अभी तो मैंने अपनी जिंदगी जीनी शुरू की है, यू नो, अब जाके. और अभी ऐसा है कि यू नो, बेटी बड़ी हो गई है, शलभ का बेटा वो भी बड़ा हो गया है, वो अब 2-3 साल में अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे. दिस इज आवर टाइम, यू नो, वी वांट टू एंजॉय. सो मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं. व्हाट्स द बॉन्ड बिटवीन ईशान एंड आरा? ओह माय गॉड, वो दोनों तो इतने ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि एक को भाई मिल गया, एक को बहन मिल गई. दोनों सेम एज के हैं, दोनों के नॉलेज एक जैसे हैं, पढ़ाई दोनों की एक जैसी. तो यू नो, किड्स नाउडेज लैपटॉप में लगे रहते हैं, वो उनका ये बहुत सारी चीजें. सो बॉन्ड बहुत अच्छा है. एंड क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में शादी से लड़ाई भी नहीं होती है, जब भी मिलते हैं प्यार से ही मिलते हैं, हॉलीडे प्लान करते हैं, मस्ती करते हैं, वी वॉच फिल्म टुगेदर, वी डू सो मच ऑफ मस्ती. मैंने ईशान वॉज वेरी वेरी शाय, मुझसे मिलने के बाद अब तो बिल्कुल कैमरे के सामने आके खड़ा हो जाता है, यू नो, मेरे जैसा बन रहा है. सो इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल. सम अप योर ऑब्जर्वेशंस, योर फीलिंग्स ऑन हाउ बिग बॉस 14 शेप्ड आउट दिस ईयर. वो जो शक्ल बनाई ना आपने, वो जो शक्ल बनाई वो एकदम, मैं समझ गया जवाब, लेकिन फिर भी बोल दीजिए. दिस सीजन वाज इनिशियली वेरी 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 बोरिंग, दो वी हैड बिग फेसेस, बिग नेम्स, जिनको मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ, जो मेरे दोस्त भी हैं. बट पता नहीं व्हाट वाज द रीजन, क्या था, इट वाज वेरी बोरिंग. पहले फ्रेशर्स की वजह से जो कंटेस्टेंट थे वो उठ कर नहीं आ रहे थे. बाय द टाइम फ्रेशर्स लेफ्ट, आई थिंक कंटेस्टेंट दब चुके थे ऑलरेडी, उनका कुछ हो ही नहीं पा रहा था. उन्होंने बहुत कोशिश की एंटरटेन की करने की, नहीं हो पाया. देन कम्स चैलेंजर्स, वहां से चेंज हुआ रुख. तो मैं ये बोलूंगी कि इस सीजन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े ताकि ये सीजन चल जाए. बहुत सारे, इतने सारे
आविन जाविन हुए हैं ताकि ये सीजन चल जाए. यू नो, जैसे हमने एक कंटेस्टेंट को देखा जो 3 बार अंदर बाहर हो गए हेल्थ इश्यू की वजह से, विकास. फिर मनु पंजाबी निकले तो निकल ही गए. यू नो, एजाज के लिए फिर प्रॉक्सी आई दे बोली ना. सो ऐसा लग रहा था कि कंपटीशन का जो जो सीरियसनेस होती है ना, वो नहीं थी इस सीजन, वो नहीं थी. सपोर्टर्स आके अभिनव को एविक्ट कर रहे हैं. सो कुछ था नहीं, कोई बाहर निकल रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर बाहर निकल रहा है फिर वापस आ रहा है. सो ऑप्शंस दिया जा रहा है कंटेस्टेंट को कि आप अपनी मर्जी से शो छोड़ना चाहते हैं तो हम दरवाजा खोल देते हैं. सो आप समझ रहे हो, जो सीरियसनेस थी कॉम्पिटिशन की वो नहीं थी. और अगर कोई कंटेस्टेंट एविक्ट होता भी है तो हमें पता था कि आए वापस आ जाएगा, अरे वापस आ जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा चल रहा था. डू यू थिंक द शो हैज लॉस्ट, डू यू थिंक शो हैज लॉस्ट इट्स स्टीम? इतने साल चलकर वो ऑलमोस्ट नहीं, नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी ले चुके हैं. नहीं, नो, आई वुड नॉट से दैट. क्योंकि एक सीजन ऐसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शो ही ऐसा है कि खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा, या इसकी इसका चार्म खत्म हो गया. मैं ये नहीं बोलूंगी. आई थिंक ये सीजन ही ऐसा रहा है जहाँ पे इतनी लो रेटिंग थी और जहाँ पे इतना कम एंटरटेनमेंट था, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं आता जो ऑडियंस को पसंद आए, जब तक राखी नहीं आई. यू नो, इवन अर्शी, फॉर दैट मैटर, अर्शी ने भी बहुत एंटरटेन किया. राखी ने तो एंटरटेनमेंट का सारे लेवल ही क्रॉस कर दिए. बट एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चैलेंजर्स के आने तक तो बहुत ही ऐसा था कि नींद आ जाएगी. चैलेंजर्स के आने के बाद थोड़ा कुछ हुआ, बट देन उसके बाद भी देखो ना, लोग जा रहे हैं, आ रहे, जा रहे हैं, आ रहे. देन दी सपोर्टर्स आर कमिंग, अंदर आ रहे हैं, वो अंदर आके फिर रह रहे हैं, बाहर की सारी बातें बता रहे हैं, बता रहे हैं आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो. ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी. मतलब इतना कुछ मिल रहा है, इतने एडवांटेजेस मिल रहे हैं, इतने ज्यादा एडवांटेज, यू नो, तो फिर क्या है, फिर क्या जीत के क्या कर लेंगे हम, क्या कर नहीं, मतलब. और इतना अब मुझे लोग इतना बोलते कि अरे रुबीना जीती, आपने इतना नहीं किया. अरे मुझे बहुत पहले से दिख रहा था कि शी इज गोइंग टू विन, सो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ. आई एम हैप्पी फॉर हर, बट इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज टू मी. यू नो, इट वाज सो ऑब्वियस शी इज गोइंग टू विन, द ओनली वन हुज बीन इन द हाउस सिंस डे वन. It was so obvious. तो मतलब मुझे ऐसा, इस सीजन मुझे ऐसा लगा ठंडा था, बहुत ठंडा ठंडा था. मतलब राखी ने जितना एंटरटेन किया उतना ही, the credit goes to राखी सावंत. But apart from राखी, राहुल and रुबीना were my favorite, even अभिनव. तो but it was obvious, you know, it was very clear. Aur supporters aake Abhinav ko nikal rahe because they wanted to see Rubina's game. Come on, give me a break yaar. Ek ka game aapko dekhna hai to aapne dusre ko bali chala diya. Come on yaar. Aur kab aapne bali chala, jab show almost khatam hone aa gaya hai to ab kya game dekhenge? Ab to ho hi gaya hai na, ab to ho hi gaya hai. और आप अगर अभिनव को निकाल रहे हैं ये बोल के कि मेरे को रुबीना का गेम देखना है, तो अगर अभिनव जाएगा तब भी उसकी बहन तो है तभी अंदर, तो एक सपोर्ट जाएगा तो दूसरा ऑलरेडी खड़ा है, तो क्यों किसी को निकालना. सो आई फील ये जो अनफेयर एविक्शंस हुए हैं, चाहे शुरुआत में सारा का, एंड देन दैट अदर सरदार आल्सो, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम बेचारा क्योंकि 2 हफ्ते रहा, उसका एविक्शन, अभिनव का एविक्शन, एंड देन जो एविक्ट हो रहे हैं वो वापस आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, फिर दरवाजा खोला जा रहा है कि आप निकल जाओ अपनी मर्जी से. दिस वॉज ऑल, it was very boring. I don't know, I didn't like it. मुझे नहीं अच्छा लगा. Me being a part of this show since a very long time, मैं every year जाती हूँ, मैं इतनी attached हूँ show से, मुझे बहुत disappointment हुई है. As usual, you have spoken your mind, and I must thank you from the entire team of E Times here for this lovely conversation. Kamya, please stay in touch. Thank you so much.